प्रतिबंधित प्लास्टिक अगर आपके पास हो तो इस खबर को आप जरूर देख लें और यह समझ लें कि अगर आपके पास इस तरह की प्लास्टिक मिली तो आपको भी लाखों रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है और आप पर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो आप ये मतलब चोरी छुपे ये क्यों कर रहे हैं, जबकि प्रतिबंधित था, पेट पालने के लिए आप लाखों रुपए का प्लास्टिक का सामान बेच रहे हैं। आप लोगों को तो यह पता होगा कि आज से कुछ दिन पहले सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया था और यह आदेश जारी कर दिया गया था कि जिसके पास भी ऐसी प्लास्टिक हो जिस पर रोक लगा दी गई है उसको नष्ट कर दें, नहीं तो पकड़े जाने पर बड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लोग धड़ल्ले से आज भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं और उसको बेचते नजर आ रहे हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि इसको बेचना और खरीदना आज के समय में कितना बड़ा गुनाह है। तो आज हम आपको अपने खबर में दिखाएंगे कि प्रतिबंधित प्लास्टिक को बेचने वालों पर कितने लाख रुपए का जुर्माना हुआ है और कितने लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। उस गाड़ी के नाम पर अलग फाइन हो जाएगी, इस गाड़ी के नाम पर अलग फाइन हो जाएगी। खबर गोंडा जिले के ददुआ बाजार से सामने आई है जहां पर प्रतिबंधित प्लास्टिक को धड़ल्ले से बेचा जा रहा था, जहां नगर मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता और ईओ संजय मिश्रा ने छापेमारी की, जिस दौरान बड़गांव के ददुआ बाजार के एक गोदाम से बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद हुई, जिस पर नगर मजिस्ट्रेट ने 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया और 2,25,000 का जुर्माना वसूला, जिसके साथ ही गोदाम को सील कर दिया गया, जिसके बाद प्रतिबंधित सभी सिंगल यूज प्लास्टिक को पर्यावरण विभाग को सौंप दिया गया जहां इसे डिस्पोज कर दिया जाएगा। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अर्पित गुप्ता ने बताया कि प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक के बेचे जाने की सूचना जिलाधिकारी को गुप्त रूप से लोगों के द्वारा लगातार मिल रही थी। जिले में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा हुआ है, जिसके बावजूद भी कुछ लोगों के द्वारा इसे धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। उन पर आज कार्रवाई हुई है और आगे भी इसी तरह से कार्रवाई होती रहेगी। तो आपको बता दें कि सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगर आपके पास भी इस तरह की प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक हो तो आप उसे तत्काल नष्ट कर दें, नहीं तो आप पर भी भारी जुर्माना लग सकता है, आप पर भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो इससे बचे और हमारे खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे लोग जागरूक हो सके और वह भी कार्रवाई से बच सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एडिट यूपी। ये आगे वाला काउंट पर सीधे कितना है, आपका नाम क्या भैया? हमारा नाम अनिल कुमार गुप्ता। ये आप ही का गोदाम है? नहीं, किराए पे। किराए पे है ना, आप ही चला रहे थे ना इसको? हाँ, चला रहे। तो आप ये मतलब चोरी छुपे ये क्यों कर रहे हैं, जबकि प्रतिबंधित था, पेट पालने के लिए आप लाखों रुपए का प्लास्टिक का सामान बेच रहे हैं? जी, ये तो पहले का रखा हुआ है।